आपको बुलाने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा या सभी को शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि पिछले से एक दो हफ्ता से हम आपसे बता रहे कि हम अपने मोबाइल पे नहीं भरोसा रखे बल्कि अपने बाइबल लेके आए हालेलुया, अपने बंदूक को लेके आए बिना बंदूक के जाएगा। जरा बाइबल मोबाइल में भी होती है लेकिन शैतान उसका इज्जत नहीं करता है क्योंकि उसमें बोलता है वो हम भी दुश्मन है प्रेजोल है, लेकिन बाइबल में वो नहीं रह सकता, वो प्रभु का वचन है। तो आपके अपने हाथ में धर्मशास्त्र लेके चलना बहुत ही जरूरी है। तो धन्यवाद देना चाहूंगा उन लोगों के लिए जो इस बात को अपने हृदय में बैठा लिया है और बाइबल लेके आता है प्रेज लॉर्ड, और जो मिस किया है नेक्स्ट वीक से जरूर है। अब आप इसके बाद में नहीं बोलेंगे, तुम अपन मनमानी करे बोले नहीं, लेकिन आज हम बताए थे आपके हालेलुया। मैं आपको बताना चाहूंगा अब्राहम लिंकन ने अपने जुबानों से यह कहा कि उसका जो पदवी है अमेरिका में सबसे ऊंचा पदवी था उन दिनों में, राजाओं की तरह महल था उसका, $multi-million उसके पास, नौकर चाकर लगे रहते, सिक्योरिटी ऑफिसर्स उनके लगे रहते उसके साथ, धनवान था। लेकिन वो अपने जुबानों से कहते हैं मेरे पास सब कुछ है, कोई चीज की कमी नहीं, लेकिन ये सारी चीजें मुझे शांति नहीं देती है। इतना धन दौलत, इतना आराम का जीवन, मुझे ये शांति नहीं देती है। मुझे शांति मिलती है सिर्फ प्रभु के वचन से। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। ये वचन में इतनी बड़ी सामर्थ है चर्च, इस वचन को अपने साथ में लेके चले, लेकिन खाली लेके चले नहीं, इसको हृदय में बसाए और उसके अनुसार जिए। प्रेज द लॉर्ड। ये वचन हमारी जीवन बदल देती है, ये वचन हमारी जीवन से रोजाना बातें करती है। ये वचन क्या है? वचन स्वयं परमेश्वर है। आप बोलते कि प्रभु हमसे बोलता नहीं, हमसे बातें नहीं करता है, यदि आप प्रभु के बोली नहीं सुन सकता आप बाइबल खोल के पढ़े, प्रभु आपसे बोलता है क्योंकि ये उसकी ही शब्द है। मैं आपको ये भी बतलाना चाहूंगा इस बाइबल में 39 बुक्स जो ओल्ड टेस्टमेंट में है, 27 बुक्स न्यू टेस्टमेंट में है, कुल मिला के 66 बुक्स सारे बाइबल में है। 1189 चैप्टर्स है इसमें, और फिर 31,000 स्क्रिप्चर्स है इसमें, 40 औथाओं ने मिलकर पवित्रात्मा की सामर्थ्य से लिखा है। चर्च में आज आपको बतलाना चाहता हूं ये वचन जो है ये सारी जेनेसिस से लेके रिवलेशन तक एक ही व्यक्ति के विषय में बातें करती है। जेनेसिस से लेके रिवलेशन पाए ओल्ड टेस्टमेंट में से भी लेकिन न्यू टेस्टमेंट तक ये बाइबल एक ही व्यक्ति के विषय में बातें करती है, एक ही सुपरस्टार के विषय में बातें करती है, एक ही बचाने वाला के विषय में बातें करती है, एक ही ज्योति के विषय में बातें करती है, एक ही मार्ग के विषय में बात करती है, एक ही मार्ग और कोई मार्ग नहीं।